हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं MP PPT काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे MP PPT के जो एग्ज़ाम होने वाला था एडमिशन के लिए, वो कैंसिल हो गया है। अब आपके जो एडमिशन होने वाले हैं वो 10th के बेस पे होने वाले हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर दिए, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में MP PPT से रिलेटेड आपको अपडेट दी थी कि जो आपके MP PPT के जो एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होने वाला था वो आपका कैंसिल हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि वो क्यों कैंसिल हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई कार्ड पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए, स्टूडेंट्स ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, तो मैं भी उस कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वीडियो में ही देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आपका वो भी जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट अपडेट मिली है उसके हिसाब से जो आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग है MP PPT की, MP PPT 2020 की, वो आपकी 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग 5 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग, ये देखिए यहाँ है 5 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग MP PPT काउंसलिंग 2020 शुरू करेगा। PPT परीक्षा न होने के कारण तकनीकी शिक्षा विभाग 10वीं की मेरिट के आधार पर काउंसलिंग शुरू करेगा। प्रदेश में संचालित 137 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में करीब 28,000 यानी 28,000 सीटें मौजूद हैं। PEB ने PPT में करीब 21,000 आवेदन लिए हैं। अब PPT निरस्त होने से सभी विद्यार्थी की फीस वापस करना होगी। वहीं प्रदेश के 166 MBA कॉलेज की 20,300 सीटों यानी 300 सीटों पर प्रवेश देने के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो आपकी काउंसलिंग है MP PPT की 2020 की, वो आपकी 5 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना, क्योंकि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो कभी भी शुरू हो सकती है। जो आपकी डेट है, हो सकता है कि आपकी 5 अक्टूबर से आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाए। और जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो आप लोगों को पता है आपकी 10th मेरिट बेस्ड पे होगी। आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे। और जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड होगी, और इसमें 2 राउंड्स होंगे। जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके 2 राउंड्स होंगे, ठीक है। और जितने भी आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं MP PPT 2020 काउंसलिंग में, जब आप मेरिट बेस्ड पर आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ कि आप लोगों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। और आपकी जो काउंसलिंग है वो 2 स्टेप में होगी, 2 प्रोसेस में होगी, आपकी 2 राउंड्स होंगे उसके। तो अब बात आती है एक क्वेश्चन की, जो मुझसे बहुत पूछा जा रहा है और बहुत से बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट करा था, कमेंट करके पूछा था कि क्या हम लोग जिन्होंने है ना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था MP PPT के एग्ज़ाम के लिए, तो क्या वो उन लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। जिन्होंने भी यहाँ, जैसे मैंने लिखा है, अगर आपके MP PPT रैंक नहीं है या आपके MP PPT का स्कोर नहीं है या आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था एग्ज़ाम के लिए, किसी वजह से आप रह गए थे, आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के पास एक और चांस है, आप लोगों को एडमिशन डायरेक्टली मिल सकता है। देखिए यहाँ लिखा है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ रैंक स्कोर इन MP PPT यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस अंडर मैनेजमेंट कोटा।
तो जो भी प्राइवेट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं एमपी में, तो आप उनके अंडर एडमिशन ले सकते हैं, उनके अंडर मैनेजमेंट कोटा होता है, उसके अंडर आपको एडमिशन मिल जाएगा। जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है या जो अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी रीज़न की वजह से, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि आप लोग प्राइवेट पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के अंडर में। तो ये है आज की अपडेट MPPPT एग्ज़ाम 2020 की। तो आगे की अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए।